बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख के साथ भला कौन होगा जो फिल्म नहीं करना चाहेगा। खासकर हीरोइन की बात आती है तो हर यंग एक्ट्रेस किंग ऑफ रोमांस के साथ पर्दे पर काम करने में दिलचस्पी रखती है। एक बार कोई न्यू कमर हीरोइन उनके साथ काम कर ले तो समझिए कि उसके कैरियर को एक नई दिशा मिल जाती है। लेकिन एक ऐसी भी हीरोइन रही जिसने किंग खान के साथ काम किया और पहली बार में ब्लॉकबस्टर फिल्म भी दे डाली लेकिन बाद में इंडस्ट्री को छोड़ दिया। जी हाँ, यहाँ हम आपसे उसी हीरोइन के बारे में बात कर रहे हैं जिसने पर्दे पर राज किया और अब एक क्रिकेटर के दिल पर राज कर रही है। फिल्म चक दे इंडिया के बारे में तो आपने सुना ही होगा और ज्यादातर लोगों ने इस मूवी को देखा भी होगा। फिल्म में प्रीति सबरवाल नामक हॉकी प्लेयर जब जब पर्दे पर आई, दर्शकों ने दिल खोलकर तालियां बजाई। प्रीति का किरदार निभाने वाली सागरिका घाटके ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई थी, जो अब फेमस क्रिकेटर जहीर खान की वाइफ के रूप में भी जानी जाती है। 8 जनवरी 1986 में कोल्हापुर के शाही खानदान में पैदा हुई सागरिका 2015 में फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सीजन 6 की फाइनलिस्ट भी रही थी। आपको बता दें कि न सिर्फ उनके पति एक नेशनल क्रिकेटर रहे हैं बल्कि वे खुद भी नेशनल लेवल की हॉकी प्लेयर रह चुकी है। सागरिका में अभिनय के गुण तो है ही, साथ ही वे बेहद खूबसूरत और काफी टैलेंटेड भी है। एक्टिंग और मॉडलिंग के साथ साथ खेल के मैदान पर अपना वर्चस्व बनाए रखने वाली एक्ट्रेस सागरिका एक फिटनेस आइकॉन भी है। अभिनेत्री कोल्हापुर के शाही खानदान से आती है। उनकी दादी सीता राजे घाटके इंदौर के महाराजा तुकोजीराव होलकर की बेटी थी। सागरिका घाटके के पिता विजय घाटके खुद फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते थे। बता दें कि सागरिका जब पढ़ाई कर रही थी तब ही उन्हें विज्ञापन फिल्मों में काम करने के ऑफर मिलने लगे थे। बेहद शांत और सौम्य सागरिका को देखते ही भारतीय क्रिकेटर जहीर खान अपना दिल दे बैठे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों की मुलाकात पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी के बेटे अंगद बेदी के जरिए हुई थी। पहली बार अंगद के जरिए जब जहीर सागरिका से मिले तो उन्हें पसंद करने लगे और यहीं से ये इश्क की दास्तां शुरू हुई और डेट करने लगे। सागरिका राज घराने से ताल्लुक रखती है और जहीर एक मुस्लिम फैमिली से है। ऐसे में दोनों को अपनी फैमिली को शादी के लिए मनाना उतना मुश्किल भी नहीं रहा जितना लग रहा था। सागरिका की फैमिली जब पहली बार जहीर खान से मिली तो बताया जाता है कि उनका मराठी बोलना लोगों को पसंद आया। सागरिका की खुशी के लिए परिवार वाले मान गए। जब जहीर ने अपने घर में शादी की बात की तो वे एक एक्ट्रेस को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं हुए। जहीर जिद पर अड़ गए तो घर वालों ने शर्त रखी कि पहले सागरिका की फिल्म देखेंगे तब तय करेंगे। पूरी फैमिली ने चक दे इंडिया देखी और फिर शादी के लिए रजामंदी दे दी। आई होप फ्रेंड आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। बॉलीवुड के इसी प्रकार के मजेदार और मनोरंजक किस्से सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।